टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, जो बैंक और एसएससी, रेलवे वगैरह हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम एक से दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। इजी लेवल से स्टार्ट होते हुए हम अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट समझने के लिए, जो हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है। जैसे हम पढ़ते थे कि 10 रुपए में 5 चॉकलेट आती है, तो बताओ 40 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, ठीक है। तो 10 रुपए में 5 आती, तो 40 रुपए में 5 फोर जा 20 चॉकलेट्स आएगी, ठीक है। इसको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है यहां पे, लेकिन यहां पे हम टाइम और वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूं कि एक आदमी, कोई मैन है, वो एक घर को 20 दिन में बनाता है, ठीक है। एक मैन एक घर को 20 दिन में बनाता है, 20 डेज में बनाता है, ठीक है। तो वही आदमी, अगर दो आदमी मिलके काम करेंगे एक ही घर बनाने को, तो वो 10 दिन में काम कर देंगे, ठीक है। पहले एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब उसकी क्षमता कितनी है, हाउ मच ही इज केपेबल ऑफ, ये हुई एफिशिएंसी। एक मैन 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, उसी काम को दो मैन अगर काम करेंगे एक साथ, तो जल्दी काम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, 10 दिन में ही काम पूरा हो जाएगा। तो यहां पे ये नहीं कि दो मैन काम कर रहे हैं तो यहां 20 की जगह डबल कर दिया, इधर भी 40, ऐसे नहीं करना है। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब यहां पे है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। जैसे मैं बोलता हूं, मान लो मैं कोई काम को, किसी काम को 8 घंटे में करता हूं, ठीक है, एंड समवन एल्स डज द सेम वर्क इन 6 आवर्स। मैंने 8 घंटे में, किसी और ने 6 घंटे में किया, अब वो 6 घंटे जल्दी काम कर रहा है मुझसे, उसका टाइम क्या है, कम है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी मुझसे क्या है, ज्यादा। इट मींस वी कैन से कि एफिशिएंसी और टाइम हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। अगर मैं टाइम ज्यादा लगाऊंगा, इसका मतलब मैं कम एफिशिएंट हूं, अगर मैं कम टाइम लगाऊंगा तो मैं ज्यादा एफिशिएंट हूं। कैसे हमको प्रोसीड करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो तीन मेथड है इसको करने के, लेकिन हम जो करेंगे वो बेस्ट मेथड है, उससे अलावा कोई अच्छा नहीं है। हमें हमेशा कोई भी काम, जैसे हमने परसेंटेज में किया था, 1 यूनिट माना था, दैट इज 100%। यहां पे भी इसी कंसेप्ट से हमको क्वेश्चन करना है, कोई भी काम हो भले वो कितना ही, हमको उसको अज्यूम कर लेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। जैसे राम है, अगर वो किसी काम को एक दिन में कंप्लीट करता है, इफ राम कंप्लीट्स अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, तो 8 डेज में उसने कितना यूनिट काम किया, 1 यूनिट, क्योंकि ये हमने कंप्लीट वर्क माना है। ठीक है, ए ने 1 यूनिट काम किया, राम ने 8 डेज में, तो एक दिन में कितना काम किया उसने, 1/A, इज दैट क्लियर। देखिए 20 डेज में मैं किसी काम को कंप्लीट कर रहा था, मतलब आई वॉज कंप्लीटिंग सम वर्क दैट इज ऑफ 1 यूनिट 20 दिन में, तो मैंने एक एक दिन में 20 बार काम किया होगा, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/20। तो सिमिलरली यहां पे 8 डेज, राम वॉज डूइंग सम वर्क इन 8 डेज, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/A, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हमको यूज करना है, इसको ध्यान से समझेगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। अब क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि एक कितने दिन में काम करेगा वगैरह, एक राम है और एक श्याम है। राम किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है, श्याम किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, दोनों सेम काम को कर रहे हैं, ध्यान रखना हमको, द वर्क डन बाय बोथ दीज इज सेम, ठीक है।
किसी भी घर बनाने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइपिंग का हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो राम ने किसी काम को किया ए डेज में, तो एक दिन में राम ने कितना काम किया, 1/8 में, और बी ने कितने काम किया एक दिन में, 1/B, यह भी हमने पीछे देखा था। अब मैंने कहा कि राम और श्याम दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो दोनों की तरफ से एक दिन में काम कितना होगा, इतना यूनिट काम होगा, 1/A + 1/B, यही टोटल काम है। मैंने मान लिया कि दोनों मिलके ये एक दिन का काम हुआ, 1 day work, ये 1 day work हो गया 1/A + 1/B, ठीक है। हमने इसको माना कि एक दिन का काम है इन दोनों को मिला के। अब दोनों ने मान लिया, मैंने अज्यूम कर लिया दे हैव कंप्लीटेड द वर्क इन एक्स डेज, तो ये एक दिन का काम है, मैं जब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और हमने काम को हमेशा कितना यूनिट माना है, 1 unit, तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 1 unit work। इट मींस ये काम पूरा हो गया और ये भी काम पूरा हो गया, इसलिए हम दोनों को इक्वेट किया है। तो ये इक्वेशन हमने क्या किया, जनरेट किया। हमको ये इक्वेशन आ रहा हो या ना आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ये इक्वेशन यूज करना आना चाहिए। वो कैसे, वो हम अब देखते हैं। इनकी हेल्प से समझते हैं इसको कि हम इसको कैसे टैकल करना है। राम डज अ वर्क इन 20 days एंड द सेम वर्क इज डन बाय श्याम इन 30 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ दीज इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, दोनों साथ स्टार्ट हो रहे हैं और साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। राम की बात करते हैं तो एक दिन में कितना करेगा राम काम, 1/20, श्याम कितना करेगा, 1/30, एक दिन में, तो दोनों मिला के एक दिन में काम कितना करेंगे, 1/20 + 1/30, दिस शुड बी कंप्लीटेड इन एक्स डेज, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 unit, ठीक है। तो यहां से हम एक्स इजीली निकाल सकते हैं, 1/20, 60, दैट इज 5, एक्स कितना आ गया, 12। मींस अगर दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं तो 12 डेज में दोनों क्या कर लेंगे, कंप्लीट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राम डज अ वर्क इन 20 days एंड द सेम वर्क इज डन बाय श्याम इन 30 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ दीज इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 5 days। मीन दोनों काम साथ स्टार्ट कर रहे हैं बट ए काम कितने दिन के लिए करता है, सिर्फ 5 days के लिए, उसके बाद बी अकेला काम करता है। हमको बताना है कि दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, राम ने एक दिन में काम कितना किया, 1/20, श्याम ने कितना किया, 1/30, ये एक दिन का काम हो, आफ्टर 5 days का मतलब 5 दिन तक तो दोनों साथ काम कर रहे थे, तो 5 दिन तक हम मान लेते हैं कि राम ने काम किया होगा इतना यूनिट, 5/20, 5/30 किसने किया होगा, श्याम ने, ये दोनों का वर्क हो गया आफ्टर 5 days। अब अकेला कौन काम कर रहा है, श्याम, श्याम ने मान लिया एक्स डेज काम किया, तो एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी, x/30, और टोटल वर्क कितना है ये, 1 unit, पहले भी बात बताया था ये 1, एंड दिस इज आवर आंसर, आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 1/4, ये 1/6, एलसीएम लिया 12, 5/12 प्लस x/30 इक्वल्स टू 1, ये इधर जाएगा, तो 1 - 5/12, ठीक है, ये हो गया 7/12, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड जो भी आंसर आएगा वो है ना, ये 15, 15 7 = 105/6, 3 और कैंसिल हो रहा है, 3 2 = 9, 35/2 days, 35/2 days में वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा, दोनों के द्वारा, जब राम 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, राम डज अ वर्क इन 20 days एंड श्याम डज द सेम वर्क इन 30 days, ठीक है, दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब जब काम कंप्लीट होने वाला होता है उसके 5 दिन पहले, पहले वाले केस में क्या था, आफ्टर 5 days एक काम छोड़ देता है, दोनों स्टार्ट हुए, आफ्टर 5 days एक काम छोड़ देता है और बी अकेले काम करता है, यहां पे क्या हो रहा है, दोनों काम यहां तक साथ करते हैं और सिर्फ 5 दिन तक कौन अकेला काम करता है, श्याम। अब हमको बताने का टाइम कितना दिया है ना, अब देखिए 1/20 + 1/30, ये तो हुआ दोनों का एक एक दिन का वर्क,
मैंने अज्यूम कर लिया कि दोनों मिलके साथ में काम कितने दिन करते हैं, एक्स डेज तक दोनों साथ काम करते हैं। ये तो हो गया दोनों का साथ काम एक्स डेज तक, और पांच दिन तक अकेले कौन काम करेगा, श्याम, क्योंकि राम छोड़ चुका है। तो 5/30 और यही टोटल वर्क के बराबर है, दैट इज 1 यूनिट। ये 1/6 उधर जाएगा, तो 1 - 1/6 5/6 एलसीएम ले लेंगे 60, 3x और ये 2x, दैट इज 5x, ये 12, 6 2 जा और ये गया 10, x कितना आ गया 10 डेज। इसका मतलब 10 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया और 5 दिन और लगे, तो टोटल डेज कितने हो गए 10+5 डेज, 15 डेज में काम होना चाहिए था। ठीक है, तीनों तरह के क्वेश्चन हमने देखे। सबसे पहले जब दोनों कंप्लीटली हमेशा साथ काम करते हैं, सेकंड हमने देखा कि जब दोनों में से कोई एक बीच में छोड़ देता है स्टार्ट से, थर्ड वाले में देखा हमने कि काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है, तो हमको ऐसे प्रोसीड करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें दोनों साथ स्टार्ट से काम किया एक्स डेज पर, दोनों ने साथ में इतना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया और टोटल यूनिट वर्क तो 1 है। ठीक है, 5 दिन तक अकेले कौन काम कर रहा, श्याम, तो 5/30। ये जो 1/6 है इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट में से 1/6 काम अकेले उसने किया, तो इन दोनों के लिए कितना बचा पीछे 5/6। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां से एक्स आएगा 10 डेज और 5 डेज अकेले काम कर रहा है, तो 10 और 5 15 टोटल। अब वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, स्टार्ट। अभी हमने देखा कि दो जने काम कर रहे थे ए और बी, 3 करे 4 करे 5 करे 10 करे ऐसे ही करना है। ठीक है, हम देखते हैं एग्जांपल, ए काम करता है किसी काम को 20 दिन में, बी सेम डे सेम वर्क को करता है 30 डेज में, सी सेम वर्क को 40 डेज में करता है, तो तीनों बताना है मिलके कितने में करते, तो 1/20 + 1/30 + 1/40 ये वर्क किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स यूनिट्स के वर्क। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको फिर डायरेक्ट लिख दो 1/x और इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा हमारा तीनों ने साथ मिलके। अब मान लो वो हमको बोलता है कि ए वर्क करता है सिर्फ 5 दिन के लिए, बाकी सी वर्क, ए बी और सी साथ में काम करते हैं, तो ए वर्क कर रहा है 5 दिन के लिए, तो 5/20 हो गया, 5/30, 5/40, ये तो हो गया 5 दिन का काम इनका। अब बाकी बचे दिन मान लिया मैंने, एक्स डेज तक कौन काम करता है, बी और सी, काम कंप्लीट हो रहा है आफ्टर एक्स डेज, टोटल वर्क तो 1 यूनिट हो गया, ये हुआ। ठीक है, मान लो वो बोलता है कि बी छोड़ देता है, तो बी चले जाता, यहां पे ए आ जाता। अब बोलता है कि ए 5 दिन काम नहीं करता है बिफोर द वर्क कंप्लीट्स। ठीक है, तो टोटल मान लिया एक्स डेज में काम हो जाना चाहिए था, या एक्स डेज में ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, 5 दिन ये काम नहीं कर रहा है ना, 5 दिन ये काम तो कर रहे हैं, आंसर आता था दोनों बहुत डिफरेंस है, ये किसके इक्वल आता, 1, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 1 यूनिट। ठीक है, अब वो कुछ भी बोल सकता है कि एक पेयर में काम करते हैं ए और बी। ठीक है, ठीक है, मान लो वो बोलते हैं कि पहले दिन ए और बी काम करते हैं, अगले दिन बी और सी काम करते हैं, अगले दिन ए और सी काम करते हैं। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम कितना हो रहा है 1/20 + 1/30, बी और सी काम कर रहे हैं तो 1/30 + 1/40, ए और सी काम कर रहे हैं तो 1/20 + 1/40, तो ये इन तीनों का काम है 3 डेज का वर्क। ठीक है, ये 3 दिन का वर्क आ गया इनको, फिर हम इजीली जो भी हमको वो बोले कितना काम कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले ये जो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, मान लीजिए ये आती है 5/20 आती है, तो ये 1/4 आ जाएगी। इसका मतलब 3 दिन में इन्होंने 1 यूनिट में से 1/4 यूनिट काम किया है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज। ठीक है, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम जो कंसेप्ट मैन और वुमेन्स का है वो सीखेंगे, उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न जो बच्चों को काफी दिक्कत आती है, उसके बाद ये हम इसको टैकल करेंगे।
थैंक यू।